कुरान मजीद की कसम, मेरा सगे भाई की कसम, मेरी माँ मर जाए, मेरा बाप मर जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरे पे खाना खराब हो जाए, मैं दुनिया में ना रहूं अगर जिंदगी में कभी ये प्रूव हो गया और कभी जिंदगी में ये मेरा शौर, मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं खाना खराब हो जाए मेरे पे, ये कहना आप उसको भी गंदा करें ना, स्टार क्यों बना रहे हैं उसको, मैं कब स्टार बना रहा हूं, तो फिर उसको गंदा करें, उसको थोड़ा सा किस तरह बात करेंगे मुझे बताएं, उसको थोड़ा सा तो गंदा करें। इंशाल्लाह मेरी अभी बहुत जल्द एंगेजमेंट होगी, आप देखेंगे उसको नहीं। मेरा रियल शौहर जी उसको नहीं, क्या बातें कर रहे हैं आप, खुद ही कर लें प्लीज। शादी के हवाले से कितने स्कैंडल आए आपके, शादी के हवाले से भी चार पांच आ चुके हैं इस टाइप के। अनमैरिड हूँ मेरी, अगर आप मेल देखें तो उसमें 3000 प्रपोजल्स हैं मेरे लिए जो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरा अकाउंट है मिस मीरा जी ऑनलाइन। आर्टिस्टों के स्कैंडल एंजेलिना जोली से लेकर मैडोना से लेकर माइकल जैक्सन से लेकर, और हमेशा लोग आर्टिस्टों के साथ अपना नाम जोड़कर अपने आप को मशहूर, अपने आप को शोहरत दिलाना चाहते हैं। मौजूदा स्कैंडल की आपकी नजर में कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई वजूद ही नहीं है, तो एक तरफा चलता रहे, एक तरफा ता क्यामत तक मेरे आप पर गंद उछालता रहे, आपको कुछ नहीं करना, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए कि मैं और मुझे पता है मेरा वजूद पाक है और मैं बिल्कुल, मेरे भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। स्कैंडल से तो एक्ट्रेस को नहीं घबराना चाहिए मेरे ख्याल में। क्या नहीं ऑफ करना सर, एक सेकंड रुको, तबीयत खराब हो गई, आप तो मेरे एंगेज शुरू हो गए हैं, आप मुझसे, मैंने ऑफ कर दें सर। आप कैसे समझती हैं कि मैं आपके एंगेज हो गया, आप जरा ऑफ कर दें इसको, ऑफ कर दें जरा उसको, हम असल मौजू पर बात ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे सर, आप उसको प्रोजेक्ट ना कर। मैं कहा उसको प्रोजेक्ट कर रहा, आप गालियां निकाले, हम आपकी गालियां देते हैं, आपका जो दिल करता है, इस गंदे आदमी के बारे में मुंह नहीं लगा, वो यही तो चाहता है सर, वो यही चाहता है, कसम खुदा की ट्रस्ट में, आप मुझसे बता दें कि क्या क्वेश्चन करने वाले, ताकि मैं उसके, ताकि मैं अपने मुख में तो अदालती लड़ाई लड़ रही हूँ सर, मेरी प्रॉपर्टी के मसले, मुझे थ्रेट हुआ है, मुझे कत्ल करना है, उस दिन अगर मैं मर्डर हो जाती, आप ये देखिए, सिर्फ एक ठंडे जहन से सोचिए, मैं एक सिंगल लड़की हूँ, अनमैरिड हूँ, आज मैं मर जाऊँ, मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी बताइए।